कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने तमिलनाडु के दौरे के आखिरी दिन मस्ती के मूड में नजर आए। राज्य के एक स्कूल में राहुल ने पहले स्टूडेंट्स के साथ डांस किया, इसके बाद उन्होंने छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने यहां पुशअप भी लगाए, बाद में बोले इससे थोड़ा टफ बनाते हैं और अब एक हाथ से पुशअप लगाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक हाथ से पुशअप लगाए। इससे पहले राहुल ने कन्याकुमारी में एक रोड शो किया, इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। And they have a chief minister who submits to everything they say. The chief minister of Tamil Nadu does not represent the people of Tamil Nadu. He represents what Narendra Modi wants him to do. The prime minister likes to watch himself on television. He must not allow the RSS to insult the Tamil language. He must not allow RSS to insult Tamil culture, Tamil tradition. Narendra Modi says, one culture, one nation, one history, one leader. Is Tamil not an Indian language? Is Bengali not an Indian language? Tamil history not Indian history? Is Tamil culture not Indian culture? This is the battle that has been fought in the election. And it is my duty as an Indian person to protect Tamil culture, Tamil language. राहुल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो मोदी उनसे कहते हैं। एक शख्स जो केवल मोदी के कहने पे चलता है, वह तमिलनाडु को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार से दो दिन के असम दौरे पर हैं। यहां प्रचार शुरू करने से पहले प्रियंका ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से यहां आने की इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने लखीमपुर में बगान मजदूरों के साथ झूमर डांस भी किया।